पे ब्रेक नहीं लगाने का है, बिल्कुल भी नहीं लगाने का है। तो ये रहे हमारे राइड में लद्दाख के रेगिस्तान। तो भाई लोग यहाँ पर हमारा कार्यक्रम होता है पूरा। अब यहाँ पे टाइम हो रहा है अभी 5 बज रहे हैं, यहाँ से निकलते हैं हम लोग टूवर्ड जुमरा। तो कैसा रहता है प्लान वो मैं आपको बताता हूँ, बाकी सांस बहुत फूल रही है। तो मिलते हैं हम लोग सीधे बाइक पे। तो प्यारी प्यारी धूप, ताजा ताजा मौसम, बड़े बड़े पहाड़, ये खटारा रोड और दिलकश नजारे, क्या कहने इन सबके। ये चीज बहुत ज्यादा बुरी है कि दोनों तरफ रोड है और बीच में ये बालू पड़ी है। अगर जरा सा भी टायर इसकी तरफ आया तो गाड़ी हो सकती है स्किट, हो सकती नहीं है, हो जाएगी। और अगर ब्रेक लगा दिया और स्पीड में हो तब तो गए भाई आप, आई एम सॉरी। और ये सामने से क्या आया भाई, वाटर क्रॉसिंग है क्या? अरे ये इतना तो लखनऊ में सुलभ शौचालय के बाहर लोग मूत के पानी बहा देते भाई। तो भाई लोग खारडुंगला क्रॉस करने के बाद में ये हमारे सामने आ गया है बहुत ही ब्यूटीफुल सा खारडुंग विलेज। यहाँ पर ग्रीनरी देखने को मिल रही है, बैरन लैंड देखने को मिल रहा है, जस्ट मेरे सामने सूरज देवता देखने को मिल रहे हैं। आंखें सही से खुल नहीं रही वरना और भी आपको बहुत कुछ दिखाता मैं। तो यहाँ पे गेस्ट हाउस वगैरह बने हुए हैं, रेस्टोरेंट वगैरह बना हुआ है। तो सज्जनों सजनियों, खारडुंग के बाद में रोड बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मतलब एकदम मक्खन रोड चल रही है। तब से ऐसा लग रहा है मोटो जीपी खेल रहा मैं, कम बजट का मार्क मार्केस बन करके और मेरे सामने सस्ता वैलेंटिनो रॉसी। तो यहाँ पर आया है हमारे सामने एक जंक्शन, इस जंक्शन के लेफ्ट साइड पे है प्रतापपुर। ओके, और कहाँ कहाँ जाना है हमको भाई? पता करता हूँ मैं, इनसे पता करता हूँ भाई। नूबरा वैली के लिए यही रोड गई है ना? ओके, शुक्रिया शुक्रिया भाई, थोड़ी सी कंफ्यूजन को किया गया दूर। अब हमको पता चल चुका है कहाँ है नूबरा। यार जब इतने सारे बोर्ड लगा दिए प्रतापगढ़ के, अफगानिस्तान अफगान पता नहीं क्या क्या करके, तो नूबरा का भी लगाना चाहिए था ना, वो तो हाई लेवल जगह है नूबरा हुंदर। नूबरा वैली में एंट्री के साथ ही सूरज की भी एंट्री हो गई है हार्ड। आज का सवाल यह है क्या मैं अपनी आंखें खोल के नूबरा वैली तक पहुंच पाऊंगा। नूबरा राफ्टिंग पॉइंट एट खालसर, तो ये जगह जो आई है इस जगह का नाम है भाई साहब खालसर। और यहाँ पर बहुत सारे हैं रेस्टोरेंट जहाँ पर आप खा सकते हो खाना। हमको जाना है टूवर्ड्स हुंडर। भाई हुंडर का है, हुंडर 5 किलोमीटर जाने के बाद, 5 किलोमीटर जाने के बाद में ठीक। तो भाई लोग मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर आ गए लद्दाख के रेगिस्तान, जहां पर कुछ देर रुकता हूं मैं। पनामी के यहां से 35 किलोमीटर। तो यहां पर एक पेट्रोल पंप भी, सूरज बहुत हार्ड हो गया मेरे सामने। अब मैं सीधे यहां से पहुंचता हूं डिस्किट और मैं आपसे मिलता हूं वहां पर। तो ये इधर साइड है डिस्किट का बाजार। हमको कहाँ जाना है, हमको भी बाजार की साइड जाना है, कहाँ जाना है? ऊपर है कैफे वगैरह, तो ठीक ठाक है, बड़ी जगह डिस्किट, मतलब यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, काम 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 काज का। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है यहाँ पर, स्टेशनरी की दुकान, ब्यूटी पार्लर, पोस्ट ऑफिस भी यहाँ पे डिस्किट का। तो मतलब अच्छी खासी बड़ी जगह है डिस्किट, मतलब इस रीजन के हिसाब से अच्छी खासी बड़ी जगह है डिस्किट, जहाँ पर आपको बहुत कुछ अवेलेबल है। हमको कैंपिंग करना है यहाँ पे, कहीं पे आगे होते हैं ना जहाँ पे लोगों ने कैंप वैम्प लगाए। ठीक है शुक्रिया भाई, मैं ये जानना चाह रहा था हमारे पास में ना हमारा टेंट है, हम कैंपिंग करना चाह रहे हैं, कहाँ पे कर सकते हैं जहाँ पे सेफ स्पॉट भी हो, पानी भी मिल जाए हमको। आगे हुंदर है 7 किलोमीटर आगे, तो वहीं रुकते हैं, मेरे पास है वहाँ पे अपना गेस्ट हाउस है वहाँ पे। नहीं हमारे पास कैंप है, मैं इसलिए बोल रहा था, करा दूंगा, मेरे होटल के आगे वो है गार्डन है, उसके अंदर गार्डन है, वहाँ पे हो सकता है। अभी का अपडेट भाई लोग ये है कि हमारे सामने जो चल रही है स्कॉर्पियो, उसमें एक भाई जिनका ये कहना है कि हमारा एक गेस्ट हाउस है हुंदर में जो कि यहाँ से 6 किलोमीटर दूर, और आप मेरे गेस्ट हाउस के बाहर में काफ़ी बड़ा गार्डन है, वहाँ पे अपना टेंट पिचिंग कर सकते हो।
तो उससे बेनिफिट ये रहेगा हमारे पास में कि हमारे पास में सेफ्टी है, अभी धुआं बहुत है। दूसरी चीज़ है पानी वानी का हमारा जुगाड़ हो जाएगा। तीसरी चीज़ अगर हमको कुछ चाहिए रहेगी तो वो भी हमको मिल जाएगी। तो ये ऑप्शन हमको थोड़ा ज़्यादा सॉर्टेड दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी सही सही गेस्ट हाउस वगैरह बने हुए हैं डिस्किट में। अभी मैंने पता किया तो मुझको पता चला है कि 1000 से लेकर के स्टार्टिंग होती है यहाँ पे गेस्ट हाउस की। टाइम अभी हो रहा है शाम के 7:15 बज रहे हैं, तो हम लोगों को जल्दी से पहुँचना है यहाँ से, बस 6 किलोमीटर है उंडर। बहुत ही ब्यूटीफुल सा सनसेट हो रहा है हमारे सामने। ये धुआं धुआं सा रहने दो, ऐसा नहीं है मेरे दिल में इस टाइम ख्यालात। काफी धुआंधार पारी करते हुए हमारी पाशा भाई की स्कॉर्पियो। ओके, तो यहाँ पर डिस्किट में एक और पेट्रोल पंप है। अगर आप लोग डिस्किट से हुंडार की तरफ जाते हो तो एक ये भी पेट्रोल पंप आपको मिलेगा। वो भयानक चला दे रहा भाई अपना। पाशा भाई जो है हमारे स्पीड में काफी निकल गए हैं, वो हैं यहाँ के लोकल, तो वो हैं इस रोड की रख से वाकिफ। मुझको करना रहेगा उनको फॉलो। रोड अभी अच्छी, नज़ारे हैं बहुत जबरदस्त, जो बात है क्लियर। तो भाई लोग अगर आप लोग नीचे देख रहे हो तो थोड़े थोड़े रेगिस्तान के लक्षण स्टार्ट हो गए हैं यहाँ से। फाइनली हम लोगों की हुंडार में एंट्री हो गई है। काफ़ी खूबसूरत जगह है, काफ़ी खूबसूरत है यहाँ पे नज़ारे। यहाँ से हमको लेना है राइट, यहीं पे पाशा भाई का गेस्ट हाउस जहाँ हम लोगों को करनी है कैंपिंग। क्या हो गया पाशा भाई, व्हाट हैपेंड? तो पाशा भाई कहाँ है? पाशा भाई का वेट करते हैं थोड़ा। पाशा भाई हमको क्या हेडक्वार्टर कॉन्वॉय में लेकर के जा रहे हैं क्या? नहीं। बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी पाशा भाई की, जैसा कि उन्होंने बोला था कि सामने से बहुत ही शानदार नज़ारे दिखेंगे आपको सैंड ड्यून्स के। तो भाई लोग कुछ ऐसी है प्रॉपर्टी, और यहाँ पर करने वाले हैं हम अपना टेंट सेट। बाकी इधर बाइक्स अनलोड हो रही हैं। पब्लिक मैं पहुंच चुका हूं हुंडर, और हम लोग हुंडर में एक हबीब गेस्ट हाउस करके है, वहां पर हम लोग अपना कैंप पिच इन कर रहे हैं। यहां पर हम लोग इनको पे कर रहे हैं 300 रुपीज़, क्योंकि हम इनकी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद में वॉशरूम वगैरह भी यहां पर हमको दिक्कत नहीं रहेगी। तो यहां पर जल्दी जल्दी अपना टेंट सेट करते हैं क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो गया है 7:35। कितना टाइम हो रहा है भाई? 7:45। तो दोस्तों 7:45 हो रहा है, जल्दी जल्दी अपना टेंट सेट करते हैं। मतलब पीछे देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे भी शाम के 5:30 बज रहे हैं। तो हमारे पास टाइम कम है, आधे पौन घंटे में होने वाला अंधेरा, तो अपना जल्दी जल्दी काम करते हैं कंप्लीट, उसके बाद होती है हम लोग मुखातिब। तो दोस्तों हमारा किचन यहाँ पर पूरा सेट हो चुका है। यहाँ पर हमारा गैस है, स्टोव है, इधर पैन है, यहाँ पर हम लोगों ने एक्स्ट्रा वाटर कैरी कर लिया है। बाकी ये सारा हमारे पास सामान है, जिसमें भाई हमारे पास क्या क्या सामान है। हमारे पास में वेज पुलाव है, अपने पास में देखो मसाला ओट्स है, वेज पुलाव है, साथ साथ में अपने अमूल बटर है, 2 दूध के पैकेट है जिससे हम बनाएंगे कॉफी, और साथ में बनेगा भुजिया। मास्टर शेफ स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल हम दोनों एक कॉम्पिटिटर, कौन जीतेगा देखते हैं। खतरनाक खाना बनाता हूँ मैं, पहली बॉन करते रहो भाई, जो बात है क्लियर जी, बिल्कुल। सरेंडर करना तो जा सकते हो भाई? नहीं सरेंडर मतलब मैं इतनी जल्दी हाथ नहीं उठाता ना। चीज तुम बनाओ, एक चीज मैं बनाता हूँ, फिर देखते हैं कौन सी अच्छी लगती है। ठीक है, तो दोस्तों गैस हो गई है चालू, पैन धो करके इस पे पैन रख दिया गया भाई, अपना नीचे वाला वो नहीं खोला हमने। अरे 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 देखा आपने, डिस्ट्रॉयड इन सेकंड्स सुना है कभी? यहाँ पर वही होता है डिस्ट्रॉयड इन सेकंड्स। तो भाई लोग इसमें लिखा है कि 1 कप के करीब में हमको इसमें पानी डालना है, जो कि डाल दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे ज्यादा ठंड नहीं हो रही है हुंडर में इस टाइम पे, मतलब मौसम सही है अंदर। इस टाइम पे मैं वार्मर पहना हूँ, टी शर्ट पहना, उसके ऊपर जैकेट पहना हूँ। थोड़ी थोड़ी सी ठंड लग रही है, कुछ ठंडा लग रहा है यार, कुछ गीला लग रहा है क्या? एक पानी गिर गया, क्या गिरा दिया इसमें, क्या है? अरे यार भाई सच में चढ़ गए क्या आप इसमें? तो कोई बात नहीं, अपने को तो भुजिया बनानी है। नहीं बहुत अंडे लाए हमारे पास में, एक अंडा टूटा है, 5 बाकी हैं, 6 अंडे हैं, फिर काम बन जाएगा भाई। लेकिन सच में
एपिक सीन हो जा रहा है। तो दोस्तों कैंपिंग में ये सब होता रहता है, कभी अंडे फोड़ दे तो कभी अंडे फूट दे। आपने क्या किया? अंडा फोड़ा है, फोड़े गए। और भाई लोग देखिए, हंसी मजाक तो बहुत ज्यादा चल रहा है। जितना भी कूड़ा है ये सब हम डंप कर देंगे कहीं पर, मतलब अभी हम लोग इसको रख लेंगे एक पैकेट में, और सुबह उठ करके यहाँ पे गार्बेज वो है डस्टबिन, हम लोग वहां पर इसको कर देंगे डंप। बिल्कुल सही बात है भाई। देखिए मेरा तो हो गया काम कंप्लीट, अब बस मुझे इसको ढक करके रख देना है। अब इस ट्रिप में ना बहुत ही सही हम लोगों का सीन चल रहा है। मतलब सीन कैसा चल रहा है ना कि सुबह हम लोगों को उठना है 6 बजे, लेकिन उठते कैसे हैं? सुबह 6 बजे का अलार्म लगता है। बिल्कुल। उसके बाद में आदमी मुड़ करके देखता है, देखता है दूसरा बंदा सो रहा है बड़ी मासूमियत के साथ में, तो फिर दूसरा बंदा भी सो जा रहा है। उसके बाद 7 बजे मेरा अलार्म बज रहा है, तो मैं जो है शुभम भाई को बोल रहा हूँ कि भाई जाओ जरा फ्रेश हो जाओ जल्दी से, उसके बाद मुझे फ्रेश होना है। तो उस फ्रेश होने के पीछे मतलब वो मकसद क्या है मेरा, आपको क्या लगता है? पूछता है भारत कि मैं क्यों बोलता हूँ कि भाई फ्रेश हो जाओ, थोड़ा सा मतलब ज्यादा सब तक सोया जाए, इसीलिए थोड़ा सा मुझको और भाई 15 मिनट सोने को मिल जाए। तो बात यह है कि हम दोनों जो हैं एक ही थाली के चट्टे वट्टे निकले यहाँ पे। रहिए भाई, हम लोग एकदम ऐसा जैसे लंगर में नहीं बैठते हैं उस तरीके से अपनी अपनी प्लेट लगाई जाएगी। काफी अच्छे कुछ भी, मतलब इसमें हमारी मेहनत कुछ नहीं है, रेडी टू मील, सिर्फ पानी मिलाना था, लेकिन बातें करने में क्या जाना है और गैस चलाना। लोगों को लगता है इजी है, लोगों को लगता है क्या मस्त एंजॉय कर रहा है ये लोग ना, घूम रहा है बाइक लेने के बाद में, पीछे का स्टोरी आप लोगों को नहीं पता और आपको भी नहीं पता। बिल्कुल सही बात है। तो भाई लोग ये रही अपनी वेज बिरयानी, वो रहा मसाला ओट्स। भाई ऐसा क्यों किया मुझको, थोड़ा दिया गया अपना ज्यादा लिया गया, ऐसे जनता माफ नहीं करेगी, ऑडियंस देख रही है भाई, बाद में बोलेगी कि बिंग राइल को भूखा छोड़ा बॉन बाइक करने आए। भाई ऐसा कुछ नहीं है यार, ये तो मतलब किस्मत की बात, जहमत गवारा नहीं हो रही है, जहमत है। तो अब दोनों का खाना हो गया तैयार, तो दोस्तों खाना रेडी है, बंदे रेडी है, भूख बहुत ज्यादा लग रही है, तो भाई क्या करें हम इस खाने के साथ, नोश फरमाएंगे। तो भाई लोग राउंड वन हमारा हो गया है कंप्लीट, और दबा करके बैटिंग करी गई है, मतलब खाना पूरा खत्म कर लिया, लेकिन राउंड वन में अनफॉर्चुनेटली मैं हार गया, और मैं रहता हूँ इंसाफ के साथ में, इसलिए मैंने हार अपनी मान ली। पहली बात है बिरयानी होती ही वेज नहीं है, इसलिए मैं हार गया, मैंने पहले ही सरेंडर कर दिया। तो दोस्तों समय समाप्ति की सूचना मिलते ही अब हमारा राउंड टू हो रहा है स्टार्ट। अब की मैं बनाने जा रहा हूँ कॉफी, जिसका मैं हूँ स्पेशलिस्ट। अभी से देख रहे ये हंसी जो है ना, ये खौफ की हंसी है, खौफ की हंसी। देखते हैं भाई क्या होता है, देखते हैं अभी। तो भाई लोग कुछ ऐसी बनी है कॉफी, मतलब दिखने में तो बड़ी गंदी लग रही है, लेकिन टेस्ट में अच्छी होनी चाहिए। और अंडा भुर्जी, अंडा भुर्जी भाई बहुत नासूर लग रही है, बहुत बहुत अजीब सी लग रही है भाई, इसको खाने से ऐसा लग रहा है डायरिया हो जाएगा आदमी। तो अंडा भुर्जी रेडी है, कॉफी भी रेडी है, हम भी रेडी है, तो राउंड टू की शुरुआत करते हैं। राउंड टू फाइट। तो दोस्तों हम लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया है, और यहाँ पर एक गोंडगोल हो गया है। गोंडगोल हुआ ये कि अंडा भुर्जी ठीक ठाक बनी है, मतलब खाने लायक है, कॉफी बहुत जबरदस्त बनी है, लेकिन कॉफी में कॉफी ही इतनी ज्यादा हो गई है कि कोई उसका और कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा है। एक बात बताइए भाई, मेरी ऑडियंस पूछना चाहती है, मैंने बनाया क्या ये, इसमें आ क्या सिरी है? एक होता है ना कि भाई इतनी ज्यादा कोड़ी हो चुकी, इनके बोलने पे ना जाए, इनके बोलने पे ना जाए, एक्चुअली मैं इनके साथ सीन ये है ना कि ये बहुत ज्यादा ओवर ऑब्सेस टाइप के आदमी, मतलब इनके साथ में ये ना जीत हो तो मेरी हो, नहीं किसी और की ना हो, ऐसा है सीन। नहीं नहीं भाई, विनर इज राहिल। थैंक यू। देखा लास्ट में पब्लिक ने मान ही लिया, मतलब मैंने बोला ना स्टार्टिंग में थोड़ी देर पहले कि दिल के अच्छे। अब बतोला हो गया बहुत ज्यादा दोस्तों, और आज के वीडियो के लिए हो गया बहुत ज्यादा कंटेंट। अब मैं इस वीडियो को करता हूँ यहीं पर एंड, और मैं आपको मिलता हूँ कल। कल की जर्नी होने वाली है बहुत ही हार्ड, क्योंकि कल हम लोग निकलने वाले हैं टुवर्ड्स तुरतुक। ट्रेलर मिल चुका है आपको, पिक्चर अभी बाकी है, मैं आपको मिलता हूँ सीधे कल, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट, पीस आउट।